मुनावर फारूकी का बिगेस्ट फियर आ गया है सामने। जी हां, खुद उन्होंने किया है खुलासा खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए निकलने से पहले। क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। आपको बताना चाहूंगी कि लॉकअप सीजन 1 की ट्रॉफी जीतने के बाद, डोंगरी लेकर जाने के बाद, वो ट्रॉफी आप सभी जानते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरीके का प्यार मिल रहा है मुनावर को। और एक के बाद एक वो अपने फैंस का दिल जीतने में पीछे नहीं हट रहे हैं और कॉन्स्टेंटली वो दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं अपने फैंस को। और फैंस यही चाहते हैं कि जिनको भी वो पसंद करते हैं वो हमेशा उनको दिखते रहें, एंटरटेन करते रहें, और ये काम बखूबी मुनावर कर रहे हैं। और खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए तो एक्साइटमेंट है ही फैंस की तरफ से। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी 28 मई को कुछ एक बड़ा शो होने वाला है, ओपन माइक शो होने वाला है, जिसको लेकर एक्साइटमेंट है। सारे टिकट्स बिक चुके हैं, हाउसफुल हो चुका है शो। और अब रिसेंट स्टोरी अगर देखी जाए तो मुनावर ने ये भी बता दिया है कि कल कुछ 12 बजे आने वाला है और देसी म्यूजिक फैक्ट्री को टैग किया, तो यानी कि एक म्यूजिक वीडियो उनका आने वाला है। कौन होगा उनके ऑपोजिट, किस तरीके का गाना होने वाला है, क्या होगा, वो सब हमें कल ही 12 बजे पता चलेगा। लेकिन जब मुनावर से पूछा गया, जब वो स्पॉट हुए उनसे पूछा गया कि भाई आपका बिगेस्ट फियर क्या है, सबसे ज़्यादा आपको डर किस चीज़ से लगता है, ऊंचाई से कि पानी से, किस से, तो वो इशारा ऊपर करते और ऊपर वाले से। जी हाँ, ये जो उन्होंने लाइन बोला है सभी का दिल जीत लिया है कि मैं बस ऊपर वाले से डरता हूँ, ये सबसे बड़ा फियर है मेरा, उन्होंने बता दिया है। और ये सुनने के बाद फैंस का दिल तो एकदम झूम उठा है और फैंस एक बार फिर से अपना दिल हार गए हैं मुनावर से। आपको बता दूं कि फिर वो कहते हैं कि सांप बिच्छू जो भी हैं, तो बोलते हैं कि नहीं, क्या मैं सांप को थोड़ा गले में लटका के घूमता, आप देखेंगे जाएंगे उधर क्या होगा तो बाद में पता चलेगा। जी हाँ, ऊपर वाले से डरते हैं, ऐसा सच उनका कोई बिगेस्ट फियर फिलहाल तो नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मुनावर की इन बातों को लेकर, हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।